देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में 3000 यूनिट प्लाज्मा खराब होने के मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर बड़ा एक्शन लिया गया। मामले की जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 4 चिकित्सा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके अलावा 6 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ग्रुप 2 और ग्रुप 3 को भी पत्र लिखा गया। राजस्थान के जालौर की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया। मेघवाल ने एक दिन पहले अपने पति एडवोकेट बाबूलाल मेघवाल के घर का ताला तोड़कर घर में घुसने की कोशिश की थी। इसी दौरान कथित मारपीट का आरोप लगाया और खुद ही अस्पताल में जाकर भर्ती हो गई। साथ ही ससुराल पक्ष पर केस भी दर्ज करवा दिया। अब इस घटना का एक CCTV वीडियो सामने आया है। ससुराल पक्ष ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस को वीडियो दिखाते हुए अमृता पर केस दर्ज कराया। उनका आरोप है कि पूर्व विधायक दबंगाई दिखाते हुए जबरन घर में घुस गई और मारपीट की। झालावाड़ जिले के सबसे बड़े SRG अस्पताल मेडिकल कॉलेज के प्लेसमेंट ठेका कर्मियों का समय से वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज प्लेसमेंट ठेका कर्मियों ने आज अस्पताल में कार्य बहिष्कार कर दिया और अस्पताल परिसर के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्लेसमेंट कर्मचारियों ने हर महीने की समस्या को लेकर नाराजगी जाहिर की। तो वही प्लेसमेंट कर्मिकों के लिए जल्द से जल्द RLSDC बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी करवाने की मांग भी की। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क में पौधारोपण करने गए बजरंग दल कार्यकर्ताओं से बाजारी माफियों ने लाठी से हमला कर मारपीट कर डाली। इस घटना के बाद गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सुनेल के पुलिस थाना पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और उसको लेकर धरना दिया और नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। मामले में जानकारी देते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। नीट परीक्षा दोबारा करवाने, छात्र संघ चुनाव करवाने और अन्य मांगों को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद ने के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में NSUI कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए NSUI कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। वहीं NSUI कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज के आरोप लगाए और कहा कि NSUI अपना आंदोलन जारी रखेगी। हनुमानगढ़ जिले की भादरा नगर पालिका में आज अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए और चुनाव के बीच ही विवाद हो गया और आज मतदान के दिन ही निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर चले गए, जिसके कारण पालिका पहुंचे पार्षद मतदान नहीं कर सके, जिससे आक्रोशित पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया ने कहा कि आज जब पालिका अध्यक्ष का चुनाव होना था तब अचानक निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर क्यों चले गए। उन्होंने पूरे मामले को साजिश बताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष को हार नजर आ रही थी, इसलिए निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर चले गए। हम आज ही चुनाव करवाएंगे और जब तक चुनाव नहीं होंगे यहाँ नगर पालिका पर डटे रहेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ लालटेन लेकर प्रदर्शन किया। पूर्व CM ने कहा कि आधे भारत को छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही बिजली कटौती हो रही है। यहाँ बिजली का बिल आसपास के राज्यों से ज्यादा है। किसान, आम उपभोक्ता, व्यापारी, हर कोई परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक से जुड़ी 35 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई की और NTA और केंद्र से सभी सवालों का जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। कोर्ट ने इस दौरान ये माना कि पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर हुआ है ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मियों को पीरियड लीव दिए जाने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में एक मॉडल नीति तैयार करने के लिए सभी हितधारकों और राज्यों के साथ बातचीत करने को कहा है। हाथरस मामले में पुलिस ने 2 और गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस ने दुर्गेश और दलबीर को गिरफ्तार किया है। दोनों सत्संग वाले दिन मौके पर मौजूद थे। सत्संग के दौरान दोनों ही सेवादार थे। इन दोनों का बेहद एक्टिव रोल था, इन पर ही सत्संग को कराने और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी। दुर्गेश कुमार सक्सेना मैनपुरी में सेवादार था और उस दिन हाथरस में मौजूद था, जबकि दलबीर सिंह मैनपुरी आश्रम में सेवादार था। इस मामले में अब तक मुख्य सेवादार देव प्रकाश समेत 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आप फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।